हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, जिससे आप समझ पाओ कि अपने चैनल का क्या मतलब एम है। अब मतलब ये चैनल देखा जाए तो 4 साल हो चुके हैं, ठीक है, 4 ईयर्स हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये चैनल अभी ग्रो हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल पहले से मैं लगा हुआ था, मैं सोच रहा था कहाँ प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई कर सकूँ। हालांकि ये शुरुआत मैंने की, आपको देखना, अगर आप देखना तो 2018 का वीडियो, अब ये 21 चल रहा है, तो आप देख सकते हो 3 साल हो चुके हैं, 19, 20 और 21, ठीक है। उस टाइम मैंने मतलब एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ बच्चों को मतलब क्रिसमस पे मैं कुछ मतलब केक्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह बच्चों को देने गया था, ठीक है। तो कई मैं क्या कहता, रास्ते में था, बिस्किट ले रहा था, मैं सोच रहा मैं 5 रुपये का बिस्किट ले रहा हूँ, क्या वास्तव में ये यूजफुल होगा बच्चों के लिए। लेकिन जब मैं देने गया तो मैंने देखा 5 रुपये का बिस्किट भी बहुत कीमत रखता है। उस दिन मुझे रियलाइज ये हुआ कि वास्तव में अगर हम जब अपने अपने घर में बैठे होते तो हमें लगता है यार 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, हमें लगता है सबके पास है। लेकिन जब आप रोड पे निकलते हो, जब आप देखते हो चीजों को, तो आपको रियलाइज होता है कि वास्तव में हमारे पास तो है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास 100 रुपए भी नहीं है खाने के लिए। अच्छा, हम लोग हो सकता है 100 रुपए पिज्जा ये सब खा लें बड़े आराम से, लेकिन किसी के पास वो पिज्जा एक पीस खाने के लिए तरस जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया, उनको डेली नहीं मिलता है उनको, मतलब हम लोग फिर भी खा लेते हैं, महीने में खा लेंगे, उनको वो भी नहीं मिलता है। तब आपको वो कीमत समझ में आती है कि वास्तव में अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, अभी भी बहुत कुछ करना है। तो फिलहाल अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये तो उस दिन मैंने किया था, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ था, नो डाउट। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मुझे पता है मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको पिज्जा खिलाने नहीं आ सकता हूँ, लेकिन पिज्जा खाने लायक बनो इसमें मैं हेल्प करना चाहता हूँ। ये चीज़ भी जरूरी है, ये मैं करूँगा आज भी, क्रिसमस से आज भी मैं कुछ ना कुछ करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो डालो तो ठीक है, नहीं डालो कोई बात नहीं, वो मैटर भी नहीं करेगा इतना। आप कोई चीज़ करो, दिखा दिया तो ठीक है, नहीं दिखाया तो ठीक है, ठीक है। मेन मैटर करता है कि आपको उस काबिल बनाना, ठीक है, जिससे कि आपकी ये जिंदगी बदल जाए, मतलब पूरी तरह से, मतलब आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और वो कब होगा, जब आप एजुकेटेड होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आप अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। ये छोटी सी शुरुआत है। मैं जब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर रहा था तो मैं सोच रहा था बस एक प्रॉब्लम क्या है ऑनलाइन की, ऑनलाइन में क्या है कि सब कुछ अवेलेबल है, इतने सारे एजुकेटर्स अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, दुनिया जहान का सब कुछ है यहाँ। एक प्रॉब्लम है कि होता क्या है, जब टीचर से बच्चा पढ़ना शुरू करता है उसको अच्छा लगता है, तो बीच में एक बात आ जाती है कि इधर जाओ 100 रुपए में ये असाइनमेंट मिलेगा, 200 रुपए में ये असाइनमेंट। तो मुझे ये लगता था फिर बच्चा जो पढ़ रहा है, जैसे मैं सोचता हूँ मतलब कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ने बैठा और सब कुछ बढ़िया चल रहा, सब कुछ समझ में भी आ रहा, सब कुछ बढ़िया, अचानक से बात आ गई ये 100 रुपए में यहाँ ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, 2000 रुपए में यहाँ ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो तुरंत ही माइंड में मेरे क्या आएगा, मेरे माइंड में आएगा इसका मतलब यहाँ कुछ कमी है क्या, आएगा कि नहीं आएगा। ये मेरे माइंड में अभी भी चलता है, और जब तक मैं इसको पूरी तरह सही नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। मैं यही सोचता रहता हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। नो डाउट मुझे पता है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मैं भी झेलता हूँ, मुझे पता है आपको जो असाइनमेंट जो मिलते हैं, चाहे वो मार्क्स बूस्टर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब बनाने में मुझे पैसा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और यूट्यूब से इतनी बड़ी अर्निंग नहीं होती है, जो भी थोड़ी बहुत होती है वो सब इसी में निकल जाता है, मतलब इसमें असाइनमेंट जिसे। और मैं अपने, अब आप कुछ कहते हैं सर ब्लैक स्क्रीन में पढ़ाओ, मुझे पता है ब्लैक स्क्रीन में पढ़ाऊंगा तो मुझे इसके लिए सेटअप बनाना पड़ेगा बहुत बड़ा, और मैं चाहता हूँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट में चीज़ें फ्री रहें, वो मैं चाहता हूँ। और आप लोग नो डाउट आपने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल शुक्रिया। टर्म वन में आपने जितना सपोर्ट दिया, और मैंने भगवान की दया से, मतलब मैं बोलता हूँ हमेशा मेरे स्टूडेंट ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इसी वजह से सारी चीज़ें फ्री में हो पाई, और फ्री में इतना बेस्ट कंटेंट हुआ जितना पेड में भी किसी ने नहीं किया हो, मैं इस बात को खुले में बोल सकता हूँ बिल्कुल आराम से। और मुझे पता है जो बच्चे टर्म वन में फोड़ दिए, और टर्म वन में जिनको अच्छा कंटेंट लगा है लिख देना कमेंट सेक्शन में कि हमने फोड़ दिया है। और टर्म टू में भी चीज़ें फ्री में ही हैं, और मैं चाहता हूँ फ्री में ही सारी चीज़ें आने वाले टाइम में भी रहें, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। और ये समझो कि ये चीज़ें आपको जो मिल रही हैं इनकी वैल्यू तो है, और मैं चाहता हूँ उन बच्चों तक पहुँचूँ जिनके पास 100 रुपये नहीं है बुक खरीदने के लिए, उनके पास 100 रुपये नहीं है बुक खरीदने के लिए, 100 रुपये मैं क्या ही बोलूँ उसको, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो उनको कितनी खुशी मिलती होगी जब उनको एहसान मिलता होगा, मुझे पता है जिसका पैसा है उसको हो सकता है इतनी खुशी ना मिले, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है 100 रुपए की बुक, मुझे याद है मैं बुक नहीं खरीद पाता था, मैं 10th में था तो मैं बस अपनी एनसीईआरटी ये सब खरीद लेता था,
मैं ज्यादा रेफरेंस बुक नहीं खरीद पाता, तो उस टाइम तो इतना ऑनलाइन भी नहीं था, मुझे तो ऑनलाइन के बारे में पता भी नहीं था, यूट्यूब नाम की कोई चीज भी है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे तो पता भी नहीं था यूट्यूब पे मिलता है या नेट पे मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस जो थी बस बुक पढ़ रहा था। आपको पास तो इतना सब कुछ है, सब कुछ चीजें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे स्टूडेंट को जब वो बुक फ्री में मिल जाए, चाहे वो बुक हो, आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है, चाहे बुक हो, चाहे फिर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे फिर मार्क्स बूस्टर हो, चाहे सैंपल पेपर भी आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरी बात, तो आप सोचो कितना बढ़िया रहेगा अगर मैं सबकी कॉस्ट निकालूं इन सब चीजों की, चाहे बुक हो चाहे सैंपल पेपर हो। ठीक है, पांच चीजें तो ऐसी आप देख पा रहे हो जो इसमें है जो आपको हेल्प करने वाली है। अगर 100-100 रुपए भी अगर कर दें तो 500 रुपए का तो मटेरियल आराम से है, और अगर 150 से 200 पे जाओगे रेफरेंस बुक तो 300-400 की आती है, अगर 150, 200, 400 पे जाएंगे तो 1000 रुपए का स्टडी मटेरियल बड़े आराम से है। मैं चाहता हूं कि आप, ठीक है, आप इस चीज को फैलाएं, मतलब मैं आज कह रहा हूं आपसे कि मतलब इस वीडियो में चाहे जहां स्टेटस में लगाओ, चाहे अपनी स्टोरी में लगाओ, फैला दो, उस गांव के बच्चे तक पहुंच पाऊं जिसको 100 रुपए में बुक लेने में जान निकल जाती है, जिसके पापा गांव में या फिर कहीं भी लेबर का काम कर रहे हैं, उनको डेली के 100 रुपए मिलते हैं, अब वो खाना खाएं या बच्चे को बुक के लिए पैसा दें, ये सोचने वाली बात है। और यूट्यूब पे जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो कल लाइव क्लास है, आपको पता हो कल लाइव क्लास भी हमारी, कल लाइव क्लास जो है उसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लाइव क्लास जो कल होने वाली है प्रैक्टिस सेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसका मैं वीडियो डाल दूंगा लिंक में, आप देख लेना, कल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी वीडियोस होते हैं उनका मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि एक क्वेश्चन भी ऐसा ना हो कि जो ना करवाया जाए, सब कुछ करवाता हूं मैं, चाहे वो असाइनमेंट दूं चाहे जो दूं, आपको ये ट्रस्ट रखना है कि यहाँ पे कर लिया क्वेश्चन, चाहे वो असाइनमेंट के थ्रू, चाहे फिर वो वीडियो, चाहे जो, वो पूरा होगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम ही होगा, कम बिल्कुल नहीं होगा। जितना मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस, मैं ऑफलाइन पढ़ाता भी हूँ, ऑफलाइन पढ़ाया भी है, 8 साल दे दिए, पूरे 100 में 100 जन कितने बच्चों को दिलवा दिए, ठीक है, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है वो मैं इधर लगा दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप चीजों को समझ पाओ, चीजों को कर पाओ आराम से, कोई कॉस्ट उसके लिए पे ना करना पड़े। ये ना हो कि मैं कहूँ कि सर देखो ये लेक्चर आपने देख लिया, अब आपको और अच्छे क्वेश्चन करने, तो उधर जाओ मैं 1000 रुपए उधर पे कर देना और वो मिल जाएगा, तो क्या होगा, तो आपको लगेगा ये लेक्चर भी क्या है, बेकार है, इसका मतलब इसमें पूरी चीजें नहीं है। तो आपको ये विश्वास दिलाना है कि इसका मतलब जो चीजें आपको मैं दे रहा हूँ, जो मैं कंटेंट आपको दूंगा टर्म टू में या आने वाले टाइम में, वो पूरा होगा, इतना इंच भी कम नहीं होगा, सब कुछ होगा उसमें। और अगर आपने टर्म वन पढ़ा है तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि जो पेपर आया था एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं था, सब कुछ अंदर था उसके। तो आप लोग लिख देना टर्म वन में, अगर आपने फोड़ दिया जरूर लिखना, मैं मुझे बहुत खुशी होगी कमेंट रिप्लाई कर करके। बस अब मैं एक छोटी सी आपको कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि 1000 रुपए का जो स्टडी मटेरियल है, मान लो 1000 का है, और अगर आपकी वजह से आपने अगर थोड़ा सा सपोर्ट करा, ये अगर 1 लाख बच्चों तक पहुंच जाए, ये 1 लाख बच्चों तक पहुंच जाए, सोचो कितना बड़ा अमाउंट होगा, जो कि चाहे वो कोई कंपनी हो चाहे कोई कमाती है, और हम उसको फ्री में दे पाएंगे। मैं अपने आप को बहुत थैंकफुल मानूंगा कि भगवान ने चलो कुछ तो मेरे लिए अच्छा किया कि मैं कुछ बच्चों की हेल्प कर पाया। सोचो अगर ये 1000 रुपीज और 1 लाख बच्चों तक ये पहुंच जाए सबके पास, मैं बहुत छोटी सी ले रहा हूँ, सोचो अगर मल्टीप्लाई कर दे, 3 जीरो यहाँ पे आएंगे, 5 जीरो यहाँ पे, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 10 करोड़ बनता है यार, 10 करोड़। सोचो 10 करोड़ रुपए, ये समझ लो कि 10 करोड़ रुपए मैं सर्व कर पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा होगा। मैं, मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास असाइनमेंट्स हैं जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपको। मैं 10 करोड़ मेरे पास नहीं कि मैं 10 करोड़ रुपए किसी बच्चे को दे दूं, उससे कुछ नहीं होगा। वैसे भी 10 करोड़ दे भी दूंगा तो हो सकता है वो खाते पीते निकल जाएगा, लेकिन ये नॉलेज जो है, जो नॉलेज है वो आपके पास रहेगी, उसकी वजह से आप 10 करोड़ कमाने लायक जरूर बन सकते हो। इस मिशन में मेरा साथ दीजिए। मैं चाहता हूँ कि जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ने आए, यहाँ पे आए, तो उसे लिए लगे पूरा मिलेगा, यहाँ इतना भी इंच कम नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग इस चीज को जितना ज्यादा मैसेज को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि सब बच्चों तक पहुंचे हम लोग, ठीक है। और जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको डेफिनेटली, यही मेरी तरफ से क्रिसमस का आपके लिए गिफ्ट समझ लो, ये मैं आपको क्रिसमस का यही गिफ्ट है मेरे तरफ से आपके लिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, ये कॉन्फिडेंस में रखें कि आशीष सर ने जो चीजें दी हैं वो आपको मिलेगी। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि लास्ट में एक चीज लिख देना, मुझे पता लग जाए कि आपने टर्म वन में अच्छे से पढ़ा, कंटेंट इज बेस्ट,
A4S content is best. A4S content is best. ऐसे आप लिख देना, मुझे समझ में आ जाए कि हाँ बच्चों को पता है। जो जो कमेंट में आपको जैसा लगे आप लिख देना बस, मुझे सब बच्चों की कमेंट चाहिए आज। और इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते करना है, क्योंकि अब जरूरत है, ये वक्त आ गया है कि अपने अपने आसपास के लोगों को डेवलप करने में, टाइम आ गया इंडिया को उठाना है यार। और इंडिया कैसे उठेगा, जब आप लोग अच्छा करोगे यार, आप लोग अच्छा करोगे, सब बच्चा पढ़ेगा, सब बच्चा आगे बढ़ेगा, अपना देश भी आगे बढ़ेगा। बस यही छोटी सी सोच है, बस आप लोग इस पे मेरा साथ देना, मुझे पता है आप लोग बहुत साथ देते हो, एक बार और साथ देना है और मिशन में लगना है यार, आपको भी मुझको भी, टर्म टू में तो फोड़ना ही है। और फिलहाल कल हम लोग मिलेंगे 10 बजे अर्थमेटिक प्रोग्रेस में फोड़ेंगे। चलता हूँ, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, सबको क्रिसमस मुबारक हो, और सब लोग क्रिसमस में एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें, ठीक है, जैसे कि बांटते हैं सब लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों, धन्यवाद।